डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज तारीख है 7 अप्रैल 2020 और हमारी जो एपिसोड संख्या है ये 619वां एपिसोड है। हमारे चैनल से पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस अगर अभी तक आपने इनको सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें और रोज सुबह 4 बजे आप करंट अफेयर्स का ये वीडियो जरूर देखें। साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट्स हैं ssccjlpinnacle.com और buljidhaka.com उन्हें भी आप जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपके सामने प्रीवियस क्विज के दोनों क्वेश्चंस। हम शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्विज से। पहला प्रश्न है कि किस देश ने COVID-19 के शहीदों के लिए 4 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया, तो इसका उत्तर जो है हमारा वो है चीन। दूसरा प्रश्न ये है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है, तो इसके लिए उत्तर जो है हमारा वो है 7 अप्रैल। ये दो प्रश्न थे प्रीवियस क्विज के जिनके उत्तर मैंने आपको यहाँ पर दिए। आगे चलते हैं, पहला प्रश्न देखो। पूछा गया है कि पीटा इंडिया द्वारा किस मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है, यह आपसे पूछा गया है और सम्मानित किया गया है नवीन पटनायक को। अब नवीन पटनायक जी को सम्मानित करने का क्या कारण था वो सब आपको बताती हूँ कि ये जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, इनको जो पशु अधिकार संस्था है पेटा इंडिया, उनके द्वारा कोरोना वायरस बीमारी के दौरान बंद के दौरान इन्होंने जो सामुदायिक पशु हैं उनको खाना खिलाने के लिए धन आवंटित किया, जिसके लिए इन्हें ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है। राज्य सरकार ने जो 5 नगर निगम है और सभी 48 नगर पालिकाओं में जो आवारा पशु है उनको खिलाने के लिए 54 लाख रुपए मंजूर करने के बाद इन्होंने वहां मंजूर किए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भोजन करने के लिए ये जो पशु हैं ये संघर्ष कर रहे थे। तो ये था हमारा प्रश्न एक, नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया गया। ये देखिए यहाँ पर आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ इनके प्रयासों को। पीटा, पीटा क्या है? पीटा है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। जो पीटा इंडिया है उन्होंने पटनायक के लिए हीरो टू एनिमल्स अवार्ड की घोषणा की, उन्हें एक प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र जो है वो दिया गया। ये जानकारी थी इस प्रश्न के बारे में। चलिए अब आपसे एक रिवीजन क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ। ओके, पुस्तक का नाम बता रही हूँ आपको। पुस्तक का नाम है एडवेंचर्स ऑफ अ डेयर डेविल डेमोक्रेट। ये पुस्तक है, इसे हाल ही में जारी किया गया है। आप मुझे बताइए कि ये किसके जीवन पर आधारित है, ये आपको मुझे बताना है। चलिए ये था हमारा पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विकास और शांति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है यहाँ पर 6 अप्रैल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 6 अप्रैल जो है ये हमारा राइट आंसर है। 6 अप्रैल 2020 को यहाँ पर वैश्विक स्तर पर सभी को सक्रिय करने के लिए, ऐसे समय में स्वस्थ रहने के लिए जब COVID-19 जो है एक महामारी के रूप में हम सबके सामने है, मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। साल 1896 में, ओके, साल 1896 में 6 अप्रैल के दिन ही जो हमारे पहले मॉडर्न ओलंपिक्स हैं उनका शुभारंभ किया गया था, इसलिए ये जो तिथि है ये चुनी गई है। और साल 2014 में जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उनकी ओर से इस महत्वपूर्ण उपलक्ष्य विश्व शांति के विकास हेतु खेलों की जो इम्पोर्टेंस है, ओके, उसको और ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, उस उद्देश्य के लिए विश्व खेल दिवस जो है वो घोषित किया था साल 2014 में। तो ये थी जानकारी प्रश्न 2 के बारे में। आगे चलते हैं, उससे पहले आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए 6 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ओके, अब यहाँ पर आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना हुई थी, इस दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। आगे देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि किस भारतीय मूल की महिला को यूनाइटेड किंगडम में वेस्ट यॉर्कशायर काउंटी के डेप्यूटी लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न है और उत्तर है इसका नीमा पुवाया स्मिथ, ये हमारा आंसर है। अब मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए इनकी तस्वीर है, मैसूरो की रहने वाली हैं। ओके, ये मूल रूप से डॉक्टर निमाया पुवाया स्मिथ, इनको यूनाइटेड किंगडम में वेस्ट यॉर्कशायर काउंटी के डेप्यूटी लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। कला और संग्रहालय के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके लिए उन्हें 2016 में प्रतिष्ठित
ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से भी सम्मानित किया गया था। ये जानकारी है इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर आपको मैं यूनाइटेड किंगडम दिखा रही हूँ। यूनाइटेड किंगडम जो है वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। यहाँ पर कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी लंदन है। करेंसी यहाँ पर पाउंड और स्टर्लिंग है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि कोबे ब्रायंट, जिन्हें मरणोपरांत एनबीए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, आप बताइए कि ये कौन से देश के खिलाड़ी थे। ये आपसे पूछा गया है और ये अमेरिका के खिलाड़ी थे। उत्तर यहाँ पर डी होगा। आपको मैं बता दूं कि हाल ही में इनका निधन हुआ है। 5 बार भी ये एनबीए चैंपियन रहे। 41 वर्ष के थे और इनकी 13 वर्षीय बेटी जियाना के साथ हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई है। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की टीम में थे और साल 2008 और 2012 में जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था टीम ने, ये उस टीम के सदस्य भी थे। इनकी पत्नी ने हाल ही में कोबे ब्रायंट की दूसरी पुस्तक की भी घोषणा की है, जिसका शीर्षक जो है वो है द वाइजनर्ड सीरीज। और अब मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि ये भी खेलों से ही संबंधित है, वर्ल्ड गेम्स के 11वें संस्करण को 2022 तक स्थगित कर दिया गया है। हाल ही में काफी सारे जो खेल होने वाले थे, जैसे कि आपके टोक्यो ओलंपिक्स वगैरह हैं, इन सब की डेट्स में चेंजेस किए गए हैं और उसके बाद जो है काफी सारी तारीखें इसलिए भी बदली जा रही हैं क्योंकि अब दो जो गेम्स हैं वो आपस में क्लैश हो रहे हैं। तो ये पहले कब होने वाले थे, कहाँ होने वाले थे, ओके, अब कहाँ हो रहे हैं, इस तरह की सभी चीजें जो हैं वो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न देखो क्या है कि वर्ल्ड गेम्स के 11वें संस्करण को 2022 तक स्थगित कर दिया है, इसकी मेजबानी जो है वो किस देश द्वारा की जाएगी। इसने के लिए यहाँ पर हमारा उत्तर जो है वो है अमेरिका। आंसर यहाँ पर हमारा 5 है। 5 के लिए आंसर ए है। इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन जो है, वर्ल्ड गेम्स 2021 के आयोजक ने टोक्यो ओलंपिक्स खेलों के साथ टकराव से बचने के लिए जो मेगा स्पोर्ट्स इवेंट को लगभग 1 साल तक स्थगित करने का फैसला लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो विश्व खेल हैं, उनके 11वें संस्करण की शुरुआत में 15 जुलाई 2021 तक होने की योजना बनाई गई थी, जिसे अब 1 साल के लिए धकेल दिया गया है और 7 से 17 जुलाई, नई डेट्स आपको मैं बता रही हूँ, 7 से 17 जुलाई 2022, ओके, 7 से 17 जुलाई 2022 जो है ये नई डेट्स हैं। अब यहाँ पर मैं इससे संबंधित आपको तस्वीर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है यहाँ पर द वर्ल्ड गेम्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होंगे। डेट्स है हमारी 7 से 17 जुलाई 2022। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिविजन क्वेश्चन भी करा देती हूँ। टोक्यो ओलंपिक की 1 साल तक टलने से 2021 में जो प्रस्तावित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप थी, उसका आयोजन भी अब 2022 में ही होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने भारत की विकास दर को चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है और उत्तर है इसका केवल 4%। आंसर यहाँ पर क्या है, सी, 4% विल बी दी आंसर। कोरोना संकट के चलते दुनिया की अर्थव्यवस्था के महामंदी की ओर जाने की आशंकाएं जता रही हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, उस पर उसका वैसा गंभीर असर नहीं दिख रहा है। एशियाई विकास बैंक ने अनुमान जताया है कि वैश्विक स्तर पर, ओके, ग्लोबल लेवल पर जो कोरोना महामारी है, उसकी रोकथाम के उपायों की वजह से जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, उसमें भारत की विकास दर 4% के स्तर तक रह सकती है। हालांकि इस दौरान एशिया की जो विकास दर है, महज 2.2% पर रहने का अनुमान है। ये जानकारी है इस प्रश्न के बारे में। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, 7वां प्रश्न इसमें पूछा गया है, करगा किस भारतीय शहर के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। करगा, ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, आंसर जो है हमारा बेंगलुरु है, सी राइट आंसर है। शहर के सबसे पुराने त्योहारों में से एक माना जाता है करगा उत्सव, जो आम तौर पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन फिर इस बार कोविड-19 महामारी के प्रसार के मद्देनजर सरकार ने इसे बहुत ही प्रतीकात्मक रूप से देखने की अनुमति दी है। 11 दिन तक चलने वाले उस उत्सव का समापन 8 अप्रैल को
धर्म राय स्वामी मंदिर से एक भव्य जुलूस में निकाले जाने वाले करगा के साथ होता है। आदि शक्ति द्रौपदी की श्रद्धा में हर साल के चैत पूर्णिमा के दौरान थिगला समुदाय द्वारा ये जो उत्सव है ये मनाया जाता है। ये हमारा प्रश्न 7 था। यहाँ पर आप इससे संबंधित जो तस्वीर है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब कर्नाटक में है मैसूर, तो ये देखिए हमारा राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर गवर्नर है वाजुभाई वाला, चीफ मिनिस्टर बीएस येदुरप्पा। हम्पी मॉन्यूमेंट्स, पट्टाडकल मॉन्यूमेंट्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। नागरहोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बांगरेटा नेशनल पार्क या नेशनल पार्क में है। अगर मैं रिवर्स एंड डैम्स की बात करूं, कृष्णा सागर, राजा सागर कावेरी नदी पर, तुंगभद्र बांध जो है तुंगभद्र पर, और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर लोकेटेड। अगला प्रश्न देखो, कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए सिविल सेवा संघों ने निम्नलिखित में से किस पहल की शुरुआत की है? और उत्तर है इसका करुणा, और करुणा की स्पेलिंग है CARUNA, डी हमारा आंसर है। करुणा जो है इसकी फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एसोसिएशंस रीच टू सपोर्ट नेचुरल डिजास्टर्स। यस, ये भी तो एक नेचुरल डिजास्टर है, बायोलॉजिकल डिजास्टर है ये। हाल ही में सिविल सेवकों के संघों ने करुणा नामक एक पहल शुरू की है। इस पहल को कोरोना वायरस से लड़ने के सरकारी प्रयासों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है। करुणा एक सहयोगी मंच है, इसमें IAS और IPS अधिकारी शामिल हैं। क्योंकि सिविल सेवक जो है पूरे देश में फैले हुए हैं, इसलिए यह पहल सरकारी प्रयासों की सहायता के लिए एक आदर्श मंच है। ये जानकारी है, और अब मैं आपको इससे संबंधित तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इससे संबंधित तस्वीर है। आ जाइए आप अगले प्रश्न पर। M.K. अर्जुनन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप मुझे बताएं कि वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? ये प्रश्न 9 है, और ये म्यूजिक से, संगीत से संबंधित थे, तो आंसर हमारा यहाँ पर सी है। एम के अर्जुनन मलयालम सिनेमा के सुनहरे दौर के अंतिम रचनाकारों में से एक थे। आप इनकी तस्वीर देखिए। ओके, ये इनकी तस्वीर है। करीबन 85 वर्ष के थे ये। ये भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली संगीतकारों में से एक थे। वे इस युग से संबंधित थे, उस युग से जब मलयालम फिल्म संगीत में कुछ शानदार मूल संगीत निर्देशकों द्वारा बहुत ही बढ़िया धुने बनाई गई। आगे चलते हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए DTH चैनलों के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण कौन सा मंच करता है? ये प्रश्न है, और आंसर है यहाँ पर स्वयं प्रभा। आपने देखा होगा कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर काफी चीजें स्टार्ट की गई, जैसे एक स्पेशल रेडियो है जो मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया, पेंटिंग वगैरह की कॉम्पिटिशन है जो उड़ीसा सरकार ने जिसकी पहल की, यहाँ पर भी इसी तरह की एक पहल है, और आंसर है यहाँ पर स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। एक अनूठी ई लर्निंग पहल है ये। इसका उद्देश्य अधिकतम छात्रों को DTH चैनलों के माध्यम से उनके सीखने के कौशल को उन्नत करने में मदद करना है। जो लॉकडाउन है, पूरा हमारा नेशनल लॉकडाउन है राष्ट्रव्यापी, इसके दौरान KVS ने 7 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले अपने स्वयं प्रभा पोर्टल से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए NIOS के रिकॉर्ड किए गए और लाइव कार्यक्रमों के पाठों का कार्यक्रम साझा किया है। ये जानकारी है, और अब मैं आपको स्वयं प्रभा की एक तस्वीर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, स्वयं प्रभा फ्री DTH चैनल्स फॉर एजुकेशन। अब हमारे सभी 10 प्रश्न हो चुके हैं। आइए हम समरी कीवर्ड्स कर लेते हैं। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया है पीटा इंडिया के द्वारा नवीन पटनायक को, जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाते हैं हम 6 अप्रैल को। डेप्यूटी लेफ्टिनेंट ऑफ वेस्ट यॉर्कशायर कंट्री इन द यूनाइटेड किंगडम ये बनी है नीमा पुवाया स्मिथ। कोबे ब्रायंट को NBA के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जाने माने बास्केटबॉल खिलाड़ी थे ये। 11th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गेम्स 2022 में होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ADB ने प्रोजेक्ट किया है भारत की जो ग्रोथ होगी फाइनेंशियल ईयर 2020 ये होगी 4%।
करागा जो ओल्डेस्ट फेस्टिवल है बेंगलुरु का, इसको केवल एक बहुत ही आप कह सकते हैं कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत ही प्रतीकात्मक तरीके से मनाया जाएगा। सिविल सर्विसेज का इनिशिएटिव है कोरोना वायरस महामारी के दौरान, जिसका नाम है करुणा। एके अर्जुनन का निधन हो गया है, ये जाने माने मलयालम म्यूजिक से रिलेटेड थे, ये जाने माने म्यूजिशियन थे। एजुकेशनल प्रोग्राम DTH चैनल्स के माध्यम से इसका नाम हुआ है स्वयं प्रभा। तो ये थे हमारे समरी कीवर्ड्स। आगे आ जाइए क्विज फॉर द डे पर। देखो, पहला है कि पीटा इंडिया द्वारा किस मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसका उत्तर देंगे आप। दूसरा है वर्ल्ड गेम्स के 11वें संस्करण को 2022 तक स्थगित कर दिया गया है, इसकी मेजबानी जो है किस देश द्वारा की जाएगी। ये हमारे दो प्रश्न है जिनका उत्तर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लाइक बटन पर क्लिक करें, जितना संभव हो सके आप चैनल को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।